तो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो यार कैसे हो सब लोग, उम्मीद है सब बढ़िया ही होगे। तो मैंने यार इन दिनों डीएम्स पर इतना ध्यान नहीं दिया था, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ऐसे डीएम्स देख करके मिली है। कसम से यार दिन बन गया भाई ये देख करके, तो सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यार अब वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं फ्री फायर के साथ। तो रिसेंटली अनग्रेजुएट गेमर जो फ्री फायर कम्युनिटी में एक अच्छे खासे लेवल पर हैं, उन्होंने फ्री फायर की सबसे पहली रियल लाइफ शॉर्ट फिल्म निकाली है, जो अब तक की सबसे पहली शॉर्ट फिल्म है फ्री फायर में, जिसका नाम है द किलर। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो रिसेंटली स्काउट ने अपडेट दिया कि वो अपने स्कूल टाइम फ्रेंड्स और हॉस्टल फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं जल्दी, एंड वो काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आए, एंड वो ये इस पेंडेमिक के बाद सबसे मिलने जाने वाले हैं। ऑल्सो एक न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट करी है रेक्स प्लेस पर, जिसकी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, उसकी एक झलक आप देख सकते हो। इतना तो दो कॉन्ट्रोवर्सी वाले बंदे नहीं लड़ते जितना 14-15 साल के लड़ने लगते हैं। अटेंशन का चक्कर बाबू भैया, टेंशन का चक्कर बहुत बेकार होता है। तूने स्काउट के बारे में कैसे बोला, मैं तेरी चामुंड देगा साला, 600 सब्सक्राइबर है मेरा, तेरे को एक्सपोज कर देगा मैं। और पूरी वीडियो एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं पबजुएल इंडिया या कहे बैटल ग्राउंड इंडिया के बारे में। तो करेंटली ऑफिशियल वेबसाइट पबजुएल इंडियन वर्जन की जो है, यानी pubgmobile.in, वहां से सभी टीजर्स को हटा दिया गया है। अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो वहां पर कोई भी किसी भी तरह का टीजर नहीं है। और व्यू मोड पर जाएंगे तो उनका फेसबुक पेज देखने को मिलेगा, जिसमें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कमिंग सून शो हो रहा है। तो बेसिकली पबजुएल इंडिया कम्प्लीटली अब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में कन्वर्ट हो रहा है, फिर चाहे वो FB हो, YouTube हो, डोमेन हो या कुछ और। ऑल्सो ओशन को सुपर चैट आती है कि एंटो ने कहा है कि 6 को अनाउंसमेंट आएगी। तो ओशन इसी बात पर ये कहते हैं कि एंटो सब लीक करेगा, एंड लोग जब गेम स्पैम करने लगते हैं तो वो क्लियर करते हैं कि गेम मई में नहीं आएगी, गेम तो मई के बाद आएगी, गेम नहीं आएगा, लेकिन 2 कन्फर्म्ड अनाउंसमेंट है गेम की, एंड सिंगल डिजिट वाले दिन एक अनाउंसमेंट फिक्स्ड है। ऑल्सो एक बंदा ये कहता है कि इस बार गेम क्यों डिले हुआ, तो वो कहते हैं कि कोई डिले नहीं हुआ है, गेम अपने टाइम पर ही आ रही है, इस महीने बस 2 अनाउंसमेंट है जिसमें से एक सिंगल डिजिट में है। और सो जोनाथन भी BGMI के रिगार्डिंग ये कहते हैं कि ओल्ड डेज आर गोइंग टू कम बैक सून। और सो क्रॉन्टन ये कहते हैं कि इस बार वो कुछ नहीं बताने वाले, एंड एक बार जब गेम आएगा तो वो काफी लोगों को रिप्लाई देने वाले हैं जिन्होंने उनको नीचा दिखाया था। और सो स्काउट के ऊपर रिसेंटली गॉड निक्सन ने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग में स्काउट के हेटर्स को ट्रॉल किया, एंड वीडियो के आखिर में ये बताया कि स्काउट भले ऑनलाइन रेज हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन आज भी सभी क्रिएटर्स गले मिलते हैं। और सो इस पे मावी मैक्सटन घाटक सभी रिएक्ट करते हैं, एंड सबका यही कहना होता है कि नए नाम से एक नई शुरुआत हो रही है, तो जो पहले हुआ उसको भुला करके एक नई शुरुआत करेंगे सभी जने IGC में। अब बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। तो रिसेंटली ऑन स्ट्रीम मावी एक क्लिप प्ले करते हैं ये कहते हुए कि चलो कुछ एक्सपोज करते हैं, एंड फिर ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो, एंड फिर पता नहीं कहां से कुछ % ऑडियंस को ये लगने लगता है कि ये सच में मॉर्टल है। कौन सा गांजा फूकते हो भाई, मॉर्टल पतला कैसे हो गया, ये कब हुआ, और काफी कुछ। तो बेसिकली ये सिर्फ फन के लिए किया था मावी ने, एंड वो बंदा मॉर्टल नहीं है, वो कोई रैंडम बंदा है जो मॉर्टल जैसा दिखता है। अब बात कर लेते हैं $1 मिलियन के पबजी अकाउंट के बारे में। तो $1 मिलियन का पबजी अकाउंट, यानी 7,38,92,000 का पबजी अकाउंट, हद होती है भाई। तो रिसेंटली बाबा ओपी ने इस अकाउंट की इन्वेंटरी पब्लिकली शो करी, वर्ल्ड्स एक्सपेंसिव अकाउंट। तो इस अकाउंट के अंदर मैक्स AKM, M4, M249, MK14, Kar98, VSS, UZ, M16A4, सभी शॉर्ट गन्स, ग्रोजा, ओम, वेक्टर, यार या कहे सभी AR, स्नाइपर्स, पिस्टल, मिली वेपन्स, SMG, सब वेपन्स की स्किन्स वो भी कंप्लीट मैक्स आउट देखने को मिली। साथ ही साथ सारी मिथिक, लेजेंडरी और दुनिया भर की ड्रेसेस और सभी व्हीकल्स और पैराशूट की स्किन्स, सब कुछ हमें देखने को मिला, वो भी टोटल मैक्स्ड आउट। ऑल्सो इस अकाउंट में AKM की रोड स्किन है, जो ग्लोबल अकाउंट में बहुत ही ज्यादा रेयर है। वेल, आपको इस अकाउंट के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 7+ करोड़ का पबजी अकाउंट, हद होती है भाई। तो अब बात कर लेते हैं टेंसेंट के बारे में। तो रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया बहुत ज्यादा ही फंसा पड़ा है कोविड के कारण, एंड फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, यार बहुत अच्छा फाइट बैक भी कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए टेंसेंट कंपनी ने ग्रुप मीटिंग करी थी रिगार्डिंग हेल्पिंग इंडिया। वेल, मीटिंग्स तो यार कॉन्फिडेंशियल होती है, बट शायद टेंसेंट की तरफ से एक जल्दी ह्यूज हेल्प देखने को मिल सकती है, ताकि इंडिया फाइट बैक कर सके कोविड के अगेंस्ट। आपको क्या लगता है, टेंसेंट इंडिया की हेल्प करेगा या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं स्काउट और मॉर्टल के बारे में। तो स्काउट और मॉर्टल नजर आए हिंदुस्तान टाइम्स के 30 Under 30 गेमिंग और एनिमेशन सेक्शन में, जो बहुत अच्छी बात है इंडिविजुअल और IGC ग्रोथ के लिए, जिसपे दोनों क्रिएटर्स ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया। तो बस यार यही थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो पे यार हम एम करते हैं 8,000 लाइक्स के लिए। पिछली वीडियो में भी करवाया था, इस वीडियो में भी करवा दो। जैसे जैसे हम ग्रोथ पाते जाएंगे, वैसे वैसे हम एम बढ़ाते जाएंगे।
और मेरे सेकंड चैनल पर जो नई सीरीज चालू हुई है उसकी जो फर्स्ट वीडियो आई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो मैं भी मिलता हूँ यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना रेक्स साइनिंग ऑफ।